नमस्ते साथियों, ओपन माइंड गुरु चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो हमारा वीडियो ट्रेड का सीरीज चल रहा था, आज का सातवां क्लास है। बढ़ते हैं सातवें क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, टिक वेल्डिंग में निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो टिग वेल्डिंग होती है उसकी मशीन भी अलग होती है, उसमें गैस उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा कि कौन सी गैस। ऐसे आमतौर पे अपन क्या करते हैं गैस वेल्डिंग में, कौन सी उपयोग करते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर एसिटिलीन नहीं भी मिला तो एलपीजी भी लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि अभी टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस उपयोग किया जाता है, तो टिग वेल्डिंग में कौन सी उपयोग किया जाती है, हीलियम गैस। अभी ये हीलियम गैस सिलेंडर, अब देखो हर सिलेंडर का अलग अलग कोड है। ठीक है, कलर कोड है, वैसे अपने को पहचान में आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हीलियम गैस का सिलेंडर का कलर कौन सा होता है, तो देखो यहाँ पे आप लोग दिखाया गया है नीला कलर होता है। ठीक है, ये हीलियम गैस है। अब देखो एस्टिलिन का मैंने पहले बताया, एस्टिलिन कौन सा होता है, रेड होता है, ऑक्सीजन ब्लैक होता है। ठीक है, एलपीजी का तो रेड होता ही है, तो वो ऐसा नहीं है कि यानी कि एलपीजी भी रेड होता है तो उसको भी, तो एस्टिलिन का अगर पूछा तो रेड और मैरून, इतना याद रखना है आप लोगों का, अगर ऑप्शन में मैरून दिया हुआ है तो मैरून ही मारना है सबसे पहले। हमारा जो आंसर है एस्टिलिन का मैरून है। अगर नहीं दिया है, अगर चार कलर दे दिया गया है, अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है, तब आपको रेड करना है। अगर इनमें से कोई नहीं है, अगर मैरून नहीं दिया है, तो आपको इनमें से कोई नहीं आंसर करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, हीलियम। टिग वेल्डिंग में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, हीलियम का। ठीक है, ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान कौन सा सहायक उपकरण पहना जाना चाहिए। ठीक है, ओवरहेड वेल्डिंग, ठीक है, ओवरहेड बोले तो क्या होगा, जो हम सर के ऊपर कोई पत्थर है, कोई चीजें हैं, जैसे हम बड़े बड़े शिप है, जहाज है, ट्रक है, वाहन है, कोई भी, अगर कुछ अगर उसमें कम ज़्यादा होता है तो हम क्या उसको यानी कि पलटी करके उसको वेल्ड करेंगे, नहीं, हमें वैसी कंडीशन में हमें वेल्डिंग करना होता है। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा उपकरण यानी कि पहना जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, उपकरण तो काफ़ी हमें सेफ्टी के लिए पहनना है, बट लेकिन हमें ये क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से देखना है। ठीक है, पहला आता है हेलमेट, हेलमेट तो 100% पहनना ही पहनना है। ठीक है, सनग्लास नहीं, अब हेलमेट पहने तो सनग्लास पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हाथ का स्क्रीन, हैंड स्क्रीन क्यों, हेलमेट तो हो गया तो हाथ का स्क्रीन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाथ का स्क्रीन से पे तो वेल्डिंग ही किया जाता है। वेल्डिंग चश्मे, नो, वेल्डिंग चश्मे ओवरहेड में तो बिल्कुल ही नहीं पहनना है, क्योंकि ओवरहेड में क्या होता है कि जो चिंगारी, जैसे हम ऊपर की ओर से वेल्डिंग कर रहे हैं, तो जो हमारी जो चिंगारियाँ जो निकलेगी और उसमें से जो ज्वाला और टेम्परेचर जो निकलेगा, क्या आएगा, हमारे फेस पे आएगा, हमारे सर पे आएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, उसके बचने के लिए हमें हेलमेट का उपयोग करना है, जो कि पूरा हमारे फेस को और सर को ढक के रखे, और जो चिंगारी है और जो ज्वाला जो है टेम्परेचर, उससे हमारे फेस और सर को रक्षा हो। ठीक है, तो सही इसका आंसर क्या होगा, हेलमेट। डायग्राम है ये, देखो ये हमारे लिए आप लोगों के लिए समझने के लिए डायग्राम, ठीक है, ये ओवरहेड वेल्डिंग हो रही है, अब यहाँ से जो भी चिंगारियाँ ऐसी गिरेगी तो इसके ऊपर गिरेगी, तो ये क्या होगा, देखो अभी ये पूरी तरह से फेस ढक गया है, क्या हो गया, फेस पूरी तरह से ढक गया है, प्लस आप लोगों के लिए हैंड ग्लोव है लेदर का, ठीक है, उसके ऊपर भी गिरेगा तो कोई जलन नहीं होगी। इसके बाद ये जो एप्रॉन पहना गया है, ये भी किस चीज़ का है, पूरा लेदर का पहना गया है, क्यों, क्योंकि हमें कपड़े का उपयोग नहीं करना, चिंगारी क्या करेगा, कपड़े को जला सकता है, इसलिए हमें लेदर का उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आग में सहायता नहीं करती है। ठीक है, ये जो चार ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सी आग जलने में सहायता नहीं करती है, तो अपने को छटना है कौन सा नहीं करेगा। ठीक है, फ्यूल, फ्यूल क्या है, पहला जो है फ्यूल, फ्यूल क्या है, जलने में सहायता करता है। फ्यूल किसको कहते हैं, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, ये सब क्या है, फ्यूल में आता है। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन जलने में सहायता करता है। ठीक है, ऑक्सीजन जलने, अगर ऑक्सीजन न रहे ना तो हमारा कोई भी आग जलेगा ही नहीं। ठीक है, इग्रेशन, इग्रेशन इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है, बट लेकिन इग्रेशन भी एक इतना जानकारी है कि ये भी एक जलने में सहायता करती है। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो बिल्कुल ही नहीं करती जलने में सहायता, क्या होता है, नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है, इसलिए नाइट्रोजन गैस, हमारा सही आंसर क्या है,
जो सहायता क्या पूछ रहा है, सहायता नहीं करती है, उसके हिसाब से हमारा सही आंसर है नाइट्रोजन। बिल्कुल 100% ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें पूछा है पोलारिटी। ठीक है, जो हमारा पोलारिटी मतलब क्या होता है, होता है जो हमारा जो इलेक्ट्रोड और जो अर्थ क्लैंप जो कनेक्शन होता है प्लस और माइनस में, ठीक है, उसको बोलते हैं पोलारिटी। ठीक है, जब हम एल्युमिनियम वेल्डिंग, तो जो हमारा जो प्लस में क्या होता है कि हमारा क्या रहता है, इलेक्ट्रोड का कनेक्शन रहता है, और माइनस में क्या रहता है, हमारा अर्थ का कनेक्शन रहता है। तो जब ये एल्युमिनियम को क्या होता है, टेम्परेचर की कम आवश्यकता होती है, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इन्हें पोलारिटी में किया जाता है। उस टाइम पर हम क्या करते हैं, करते रिवर्स पोलारिटी का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, अर्थ को पॉजिटिव के रूप में उपयोग करते हैं और पॉजिटिव को हम अर्थ के उपयोग में करते हैं। उस टाइम उस जगह पे हम क्या करते हैं, कनेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब हम पोलारिटी आपको दिखाता हूँ पोलारिटी होता कैसा है। देखो, ये जो हमारा जो ट्रांसफार्मर हो गया, ऐसे ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ पे दो कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे जो प्लस में क्या रहता है, पहले हम यानी इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमारा अर्थ का उपयोग करते थे। अब ये ऐसे कंडीशन में जो एल्युमिनियम की वेल्डिंग में क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोड उपयोग करना है और हमें इसको यानी कि अर्थ का उपयोग करना है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे कनेक्शन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसको कहते हैं पोलारिटी। ठीक है, ट्रांसफार्मर वही रहेगा, हमें बस कनेक्शन चेंज कर देना है, हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसके जगह पे हमारा सही आंसर क्या है, रिवर्स पोलारिटी। ठीक है, सही आंसर इसका क्या है, रिवर्स पोलारिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज ए पोलारिटी? ठीक है, पोलारिटी क्या है, क्या है ये? करंट की दिशा को चेंज करने की पद्धति को पोलारिटी कहते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखो, ये अभी पोलारिटी आपको आ गया, सही डायरेक्शन क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस दिखा रहा है, ये हमारा माइनस। ठीक है, तो जब ये क्या है, ये पोलारिटी में देखो क्या हो रहा है कि हमारा इलेक्ट्रोड और यहाँ पे अर्थ, तो सेम कंडीशन में आपको ये रिवर्स पोलारिटी में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड हो गया और यहाँ पे अर्थ हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं पोलारिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइंग में दिखाए गए वेल्ड में लंबे चाप के कारण क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, ड्राइंग का है, हाँ ये ड्राइंग है। ठीक है, इसमें जो चाप दिखाया गया है, ठीक है, ये जो चाप दिखाया गया है इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जो चाप है इसका यानी कि क्या है, कम पेनिट्रेशन। ठीक है, कम पेनिट्रेशन इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें दिखाते हैं आपको क्या है कि कम पेनिट्रेशन क्या है। ये जो दिखाया जा रहा है आपको, ये जो वेल्ड दिखाया जा रहा है इसको कहते हैं पेनिट्रेशन। ठीक है, ये जो कम पेनिट्रेशन, ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये क्या है, कम पेनिट्रेशन वाला डायग्राम है। ठीक है, भी जो वेल्ड है ये कम पेनिट्रेशन का डायग्राम है। ठीक है, लेस पेनिट्रेशन सही इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंगे तार इलेक्ट्रोड में किस प्रकार की ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? ठीक है, जिसमें यानी कि कंडक्टर नहीं लगे रहते हैं। ठीक है, लंगा तार, खुला तार, उसमें क्या करते हैं, स्ट्रेट पोलारिटी, सीधी ध्रुवता का उपयोग करते हैं। हम रिवर्स का भी उपयोग नहीं करेंगे, एसी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर सेट का भी उपयोग नहीं करेंगे, स्ट्रेट पोलारिटी का उपयोग करेंगे लंगे तार में। ठीक है, देखो यहाँ पे भी आप लोगों को दोनों दिखा दिया गया है, फिर से आप लोगों को डायग्राम, ये देखो ये है पावर ऑफ ट्रांसफार्मर, ये डीसी करंट है, ये ठीक है ट्रांसफार्मर है, ये भी डीसी ट्रांसफार्मर है। आप लोगों को देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में इलेक्ट्रोड दिखाया जा रहा है। ठीक है, प्लस में ये आप लोगों को अर्थिंग दिखाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया है, फिर से देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस में था पहले और यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस में इलेक्ट्रोड हो गया। तो ये कहते हैं रिवर्स पोलारिटी और ये हो गया स्ट्रेट पोलारिटी। ये जो कनेक्शन को चेंज किया जाता है इसको ही कहते हैं पोलारिटी। आप लोगों को जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा पोलारिटी के बारे में तो ये आपको ध्यान रखना है, कनेक्शन की अदला बदली को कहते हैं पोलारिटी। ठीक है, ए प्रतीक दिखने वाले वेल्ड ज्वाइंट का नाम क्या है? ठीक है, ये जो ए प्रतीक है यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है डायग्राम, ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में पूछा जा रहा है, ये कौन सा डायग्राम है? तो आप लोगों को देखना है क्या है, ये स्क्वायर बट ज्वाइंट।
ठीक है, स्क्वायर बट वेल्ड, ठीक है। ये क्या है, ये एक सीधी लाइन है, ये हाफ राउंड है, ये अंदर की ओर कटिंग लाइन है, ठीक है। ये सभी डायग्राम आप लोगों को एक वीडियो अलग से बना के है ईडी का, ठीक है, उसमें हर एक डायग्राम आप लोगों को दिखाया गया, उसको आप लोगों को अलग से देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त के प्रकार का नाम क्या है, जो डी है, ये डी है हमारा, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये डी में जो दिखाया गया डायग्राम, एक साथ पूरे डायग्राम को दिखाया गया, तो क्या है अपना आंसर, फ्लैट फ्लैश बी बट वेल्ड रन के साथ। मतलब इसमें दो दो डायग्राम दिखाया गया, दिखाया गया बी बट भी दिखाया गया, फ्लैश प्लेट और बैकिंग रन के साथ दिखाया गया, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमएस पाइप के दो प्रकार क्या है, एमएस पाइप जो हमारे घर में जो पाइप लगा रहते हैं, जो भी पाइप है लोहे के पाइप, उसको क्या कहते हैं, एमएस पाइप कहते हैं, उसके दो प्रकार बताना है, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार कौन से हैं, सीमलेस पाइप, रेजिस्टेंस पाइप। अब ये सीमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्ड पाइप क्या होता क्या है, अभी देखो, ये जो गोल भाग दिख रहा है ये होता है सीमलेस पाइप, ठीक है, इसमें वेल्ड नहीं दिखेगा आप लोगों को, एक एक देखे होंगे आप लोगों को ऐसे वेल्ड दिखता है, ठीक है, कभी कभी आप लोग देखे होंगे ऐसे वेल्ड दिखता है आप लोगों को पाइप में, अंदर की ओर बाहर की ओर आप लोगों को वेल्ड दिखेगा, ठीक है। एक होता है सीमलेस पाइप, जो यानी क्या है, तो एक सांची के अनुसार ढाला गया है, ठीक है, वो एक सीमलेस पाइप है, ठीक है। यही पूछ रहा है कि दो पाइप के प्रकार बताइए, तो सीमलेस पाइप और रेजिस्टेंस वेल्ड पाइप इसका सही आंसर है, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में दिखाए गए प्रतीक के लिए संयुक्त पर के प्रकार का नाम बताएं, जो सी है ये जो हमारे को डायग्राम पूछ रहा है, इसका यानी कि नाम क्या है, अवतल फिलेट, क्या है ये, कन्वेंस फिलेट, ठीक है, ये कन्वेंस, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो डायग्राम है ये कन्वेंस का है, ठीक है, ऐसे अंदर की ओर एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है, ठीक है, ये जो भाग दिख रहा है ये उत्तल लेंस की तरफ है, ये अवतल है, ठीक है, ये सही आंसर क्या है इसका, अवतल फिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई का उत्पन्न करती है, ठीक है, किस प्रकार का इलेक्ट्रोड छोटी आर्क लंबाई उत्पन्न करती है, जो इलेक्ट्रोड होता है, कौन सी इलेक्ट्रोड छोटी आर्क, मतलब कैसा है कि जो आर्क जो हम वेल्डिंग करते हैं तो क्या होता है, चिंगारी जो निकलती है और जो रन होते हैं उसको आर्क कहा जाता है, तो ठीक है, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, जो हमारा सही आंसर क्या है इसका, हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड में जो हैवी कोटेड होता है, जो फ्लक्स होते हैं वो यानी हैवी रात, उससे हमारा आर्क जो है होगा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या होगा, मेटल जो उसका कम रहेगा तो हमारा वेल्ड भी बारीक आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो आर्क ये आप लोगों को दिखा रहा है, ठीक है, ये आर्क, ये रॉड, ये आप लोगों को दिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनेट्रेशन वेल्ड पैदा करती है, ठीक है, गहरी वेल्ड पेनेट्रेशन, आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया पेनेट्रेशन किसको कहते हैं, और गहरी, तो डायग्राम है ये, देखो ये है डायग्राम, ठीक है, तीन डायग्राम दिखाया गया है, ये शॉर्ट है, ये ओके और ये लॉन्ग, ये बता रहा है कि अब आते हैं ऑप्शन की ओर, ठीक है, इसमें क्या है, शॉर्ट आर्क, आर्क किस तरह की यानी कि गहरी पेनेट्रेशन करती है, शॉर्ट आर्क, जो लघु आर्क की लंबाई, ठीक है, तो इसमें शॉर्ट आर्क कौन सा, ये देखो ये है अपना अच्छी पेनेट्रेशन कर रहा है, और ये हमारा सही रन बोलेंगे तो ये हमारा सही रन है, एकदम परफेक्ट वेल्ड हुआ है सही रन के साथ, ठीक है, तो हमारा इसलिए आप लोगों को ये एक वेल्ड करके दिखा दिया गया है, सही ध्यान में रहे आप लोगों को। तो क्या है, किस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनेट्रेशन वेल्ड पैदा करती है, तो लघु आर्क, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखो ना गहरी पेनेट्रेशन, मतलब यानी कि कैसा हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा मोटा मोटा छोड़ छोड़ के आ रहा है, ठीक है, हमारा परफेक्ट वेल्डिंग इसको कहते हैं, ठीक है, बीच वाली भाग, ये कम वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है, ठीक है, एक रेक्टिफायर का रूपांतरण कार्य क्या है, तो रेक्टिफायर अब पिछले वीडियो में आप लोगों को देखे होंगे, एक क्वेश्चन आया था रेक्टिफायर का, उसने बताया था एसी को डीसी को कन्वर्ट करना, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना, उसको कहते हैं रेक्टिफायर, ठीक है, अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है, एसी टू डीसी, सी, सही आंसर क्या है इसका, सी, एसी टू डीसी को कन्वर्ट करना, ये हमारा रेक्टिफायर है। ये देखो ये रेक्टिफायर का डायग्राम, ये जो है क्या है, ये अल्टरनेट करंट है, ठीक है, ये क्या है, कम ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं एसी करंट,
क्या कहते हैं, एसी करंट। ये हमारा ट्रांसफार्मर डायोड हो गया, यहाँ से हमें निकल रहा, और डीसी करंट कैसा निकलता है, डायरेक्ट करंट, एक ही दिशा में बहता है, जैसे ये बह रहा है ऐसे ही बहेगा। एसी कैसे बहेगा, ऊपर नीचे, ठीक है। ये हमारा एसी का सिंबल है, ठीक है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन पैदा करती है, ठीक है। किस आर्क की लंबाई सही फ्यूजन, अभी मैंने आप लोगों को पिछला एक दिखाया था आप लोगों को डायग्राम जॉब बना के वेल्डिंग करके, उसमें क्या था, जो सही था क्या था, नॉर्मल। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्मल, देखो नॉर्मल, हाँ सी आंसर। इसका जो क्या होगा, नॉर्मल आर्क लेंथ, जो हमारा नॉर्मल रहेगा, कम भी नहीं रहेगा ज़्यादा भी नहीं रहेगा, तो उनका क्या होगा, वेल्ड का रन का कम ज़्यादा डिफरेंस आएगा। जो नॉर्मल, जो हमारा सब कुछ नॉर्मल रहेगा तो क्या होगा, परफेक्ट वेल्ड होगा, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बोल रहा, फ्यूजन पैदा, द सही फ्यूजन कौन पैदा कर रहा है, नॉर्मल आर्क, ठीक है। आप लोग ध्यान रखना है, सी आंसर, ठीक है। अभी फिर से मैंने डायग्राम शायद दिखाई देता हूँ आप लोगों को, ये रहा जो नॉर्मल, क्या है ये नॉर्मल, ये लॉन्ग, ये शॉर्ट, ठीक है, एकदम परफेक्ट दिख रहा है वेल्ड, ऐसी वेल्डिंग आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अच्छा लगा होगा, लाइक करना है, प्लस अपने दोस्तों को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये शेयर कर दीजिए, और आप लोगों को सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, कि जो अगला वीडियो आएगा आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग पता चल जाएगा, और आप लोग देख लेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन यहीं पे, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।